हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। माय नेम इज़ गोल्डी रावत। सो इस वीडियो में आपको इन्फो देने वाली हूँ अबाउट मुंबई हेरिटेज बस टूर का। सो मैं जो ये बस टूर का इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ वो है बांद्रा वर्ली सीलिंग टूर। सो जो जनरल टूर्स हैं ये ओपन डेक बस के, वो तो हर एक घंटे में अवेलेबल होते हैं, बट ये जो बांद्रा वर्ली सीलिंग है ये एक ही स्लॉट होता है एट 5:30 PM और ये 2 घंटे का टूर होता है, विच कॉस्ट अराउंड 350 रुपीज़। सो ये स्लॉट्स आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका व्हाट्सएप मोबाइल नंबर आपको शेयर कर दूंगी। और जो इस बस टूर का स्टार्टिंग पॉइंट है वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक, जो कि कोलाबा कॉजवे के जस्ट सामने ही है। सो ये टूर स्टार्ट होता है फ्रॉम गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया ताज होटल के सामने से ये जाता है, देन इट विल हेड टूवर्ड्स दी मरीन ड्राइव। और जब भी आप मुंबई विज़िट करो सो ये जो ओपन डेक बस टूर है ये मस्ट ट्राई करना, बिकॉज़ ये अलग ही एक्सपीरियंस है और बहुत इन्जॉय करोगे आप ये टूर को। और जो ये ओपन डेक बस टूर है ये डे टाइम में भी अवेलेबल होता है, बट इनके अलग अलग पैकेजेस होते हैं, डे टाइम के अलग होते हैं, इवनिंग बांद्रा वर्ली सीलिंग का अलग था। बट अगर आपको विज़िट करना है तो आई सजेस्ट कि आप इवनिंग में ही विज़िट करो, बिकॉज इवनिंग में सनसेट भी आपको देखने के लिए मिलेगा इस बस से, एंड यू कैन ऑल्सो इन्जॉय दी नाइट व्यूज़ ऑल्सो। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू बुक सो आई सजेस्ट कि आप इसको एडवांस में बुकिंग कर ले, बिकॉज एक बहुत कम स्लॉट्स होते हैं अवेलेबल बांद्रा वर्ली सीलिंग के। एंड जो अदर देन सीलिंग टूर है वो तो अवेलेबल होते हैं एवरी आवर, बट ये बहुत मुश्किल से मिलता है बिकॉज ये एक ही स्लॉट होता है। देन कोलाबा से होते हुए हम लोग पहुँच गए थे मरीन ड्राइव, और मैंने विजिट किया 31 December को। सो उस दिन तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी, मतलब बस भी बहुत स्लो मूव हो रही थी। एंड जो इस बस का रूट है वो है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, म्यूजियम से स्टार्ट होता है, देन ये जाता है गेटवे ऑफ इंडिया, उसके बाद ये कोलाबा होते हुए मरीन ड्राइव होते हुए फिर ये जाता है गिरगांव चौपाटी, देन आगे जाती है हाजी अली दरगाह, देन हाजी अली दरगाह के बाद जाती है बांद्रा वर्ली सीलिंग, और सीलिंग से ये आगे फिर यू टर्न लेती है, देन सेम सीलिंग से ये रिटर्न आती है, और उसके बाद ये आपको चर्च गेट CST रेलवे स्टेशन वाले साइड से फिर अराउंड 8 बजे के अराउंड ही आपको वापस ड्रॉप कर देगी, जहाँ से इस बस ने पिक किया होता है वहीं पे ड्रॉप कर देती है वापस। देन मरीन ड्राइव क्रॉस करने के बाद हम लोग आ गए थे टूवर्ड्स गुड़गिरगांव चौपाटी, और इस बस में हमने तो बहुत इन्जॉय किया बिकॉज बहुत अच्छी हवा चल रही थी इसमें, एज यू कैन सी इन द वीडियो। देन हम लोग पहुँच गए थे हाजी अली दरगाह, बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सो आपको ये बाहर से तो विजिबल नहीं होगा। और हाजी अली दरगाह के बाद हम लोग एंटर कर गए थे बांद्रा वर्ली सीलिंग में। सो ये है ब्रिज बांद्रा वर्ली सीलिंग, और नाइट में व्यूज़ यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल थे, एज यू कैन सी इन द वीडियो, काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रही थी सिटी मुंबई सिटी। एंड हम लोगों ने विज़िट किया था 31 December को, सो
काफ़ी सारे एरियाज बहुत ज़्यादा डेकोरेट हो रखे थे यहाँ पे, पार्टीज़ वगैरह चल रही थी, सो काफ़ी लाइटिंग वगैरह लगी हुई थी। एंड न्यू ईयर का एक अलग ही माहौल था पूरी मुंबई सिटी में उस दिन 31 रात को। एंड एज यू कैन सी इन द वीडियो, मुंबई में काफ़ी डेकोरेशन हो रखा था, लाइटिंग वगैरह काफ़ी बहुत सारी जगह लगी हुई थी 31 को। एंड देन बैंड्रा वाली सीलिंग विजिट करने के बाद वहीं से हम सीलिंग से ही रिटर्न आके फिर हम लोग अराउंड 8 PM तक आ गए थे अपने डेस्टिनेशन पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। एंड रिटर्न में भी बस आपको कुछ कुछ हेरिटेज बिल्डिंग विजिट करते हुए वापस लेके आती है। So you can find details here for the heritage tour bus, and that's it for the video. Hope you like the video. If you like the video, please like, share and subscribe to my channel, and stay tuned for more such videos.